तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस समय जो है चीन से बहुत ही बड़ी और बुरी खबर निकल कर आ रही फ्रेंड्स है। चीन में इस समय मरने वालों की संख्या जो है बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसमें जो है इस समय जो है 2236 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अगर बात करें हम लोग इसके संक्रमण की, तो इस समय जो है कोरोना वायरस से 74,000 से अधिक लोग जो है इस वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। जिसको देखते हुए अमेरिका ने एक वैक्सीन तैयार किया हुआ है जिसको स्पाइक प्रोटीन नाम दिया गया है। और इस वैक्सीन को कैसे तैयार किया गया है? सबसे पहले है चीन के शोधकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए वायरस के जेनेटिक कोड का अध्ययन किया गया। फिर उसके बाद है स्टेबलाइजर सैंपल बनाया गया जिसे स्पाइक प्रोटीन कहा जाता है। टीम के सदस्यों ने कटिंग एज तकनीकी के जरिए स्पाइक प्रोटीन का इमेज बनाया और फिर अपने शोध के नतीजों को साइंस जर्नल में प्रकाशित करवाया। इस प्रकार जो है अमेरिका ने जो है इसका जो है काम इस दवा पर शुरू किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए फिलहाल इतना ही। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा फ्रेंड्स। और जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों भी शेयर कर देना। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि हमारे द्वारा नई नई जानकारियों के अपडेट हमेशा आप लोगों तक मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।